मैं अरमुद जैसे कई निवेशक वर्ष 2022 की शुरुआत से ही निवेश कारोबार में क्रांतिकारी बदलाव देखने का इंतजार कर रहे हैं। इस साल बाजार ने कोई खास असर नहीं दिखाया है, कम से कम सकारात्मक तो नहीं। घोषणाओं और प्रत्याशा के बीच वास्तविक समय के निवेशक इस बात को लेकर चिंतित है कि निश्चित रूप से विकास के अवसर धुंधली हो रही है, लेकिन एक उद्योग आने वाले वर्षों में इस गिरावट वाले बाजार में पनपने में सक्षम हो सकता है, जो कि है बैटरी बाजार। सरकारी पहल और विद्युत वाहनों के बाजार में आने की संभावना के साथ आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में बैटरी उद्योग का सफर कैसा होने वाला है। लेकिन उससे पहले प्रणाम देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। शुरुआत में ही एक विनती है कि वीडियो को अभी लाइक कर दे दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब को पता चलता है कि ये जो वीडियो है नॉलेजेबल है और ज्ञानपूर्ण है, जिससे कि फिर ये दूसरे लोगों तक पहुँचाता है। तो लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइए और दूसरे लोगों का भला करिए। और चलिए अब जानते हैं भारत में बैटरी उद्योग का अवलोकन। वर्तमान परिदृश्य में भारत बैटरी बाजार अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी आदि इसमें आते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशंस, SLI बैटरीज, इंडस्ट्रियल बैटरीज, स्टेशनरी, दूरसंचार, UPS, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आदि इसमें आते हैं। इसके बाद है पोर्टेबिलिटी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमारा पावर बैंक आ जाता है। और इसके बाद अंत में है ऑटोमेटिव बैटरी, HEV, PHEV और EV आदि। अब आपको HEV, PHEV और EV को विस्तार से समझाता हूँ थोड़ा। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये साधारण विद्युत वाहन होते हैं जिसे हम बार बार चार्ज करके चलाते हैं और ये हमें आमतौर पर दिख जाते हैं, जैसे कि टाटा नेक्सन हो गया और ओला इथर की स्कूटी। इसके बाद है HEV, मतलब कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो इलेक्ट्रिक के साथ साथ पेट्रोल या इसी प्रकार की किसी ईंधन पर चल सके और इन्हें आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इस गाड़ी को पेट्रोल पे चला रहे होते हैं और ब्रेक लगाते हैं, तो वो ब्रेक विद्युत में बदलकर बैटरी में स्टोर हो जाती है, जिसे रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। अब इसके बाद है PHEV, इसका फुल फॉर्म है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये हाइब्रिड व्हीकल की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्हें आप अलग से चार्ज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ियों को चार्ज करते हैं। यहाँ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि रिलायंस जियो बनाम एयरटेल, अडानी पावर बनाम टाटा पावर, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अब फिर से आते हैं इस वीडियो पे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बैटरी बाजार 15% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से 2030 तक वृद्धि देखने की उम्मीद है। यह उद्योग पर सकारात्मक दृष्टिकोण को इंगित करता है, विशेष रूप से 2020 में चाइनीज कोरोना के प्रकोप के कारण पैदा हुई नकारात्मक प्रत्याशा के बाद, जिससे यह उद्योग एक प्रमुख आकर्षण है। महामारी ने देश में बैटरी बाजार के विकास को लगभग चकनाचूर कर दिया था, लेकिन अभिनव, इनोवेटिव और रोमांचक विचारों का धन्यवाद, जिन्होंने अब भारत में एक आकर्षक बाजार बनाया है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, इनसे उद्योग का खेल बदल गया है। हालांकि इस उद्योग को उन चुनौतियों पर अंकुश लगाना बाकी है, जो सरकार द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन उपायों के कारण सामने आई है। इसने देश में लिथियम आयन के साथ साथ लेड एसिड बैटरी की निर्माण इकाइयों के लिए शिपिंग मार्गों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया था। इसके अलावा लिथियम आयन की घरेलू निर्माण क्षेत्र की अनुपस्थिति बाजार को रोकने में एक बड़ी बाधा के रूप में काम कर रही है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाजार की क्षमता बहुत बड़ी है, और अभी तक इसका पता लगाया जाना बाकी है कि ये और कितना बड़ा हो सकता है। आइए जाने कि इस उद्योग के पास मुझ जैसे निवेशक के लिए क्या है और हम इसमें क्यों निवेश करें। सभी लंबी अवधि के निवेशकों को बैटरी बाजार पे निगरानी या वॉचलिस्ट में रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में प्रकाशित, जिसमें उल्लेख किया गया है कि देश में बड़े पैमाने पर बैटरी निर्माण उद्योग के लिए एक उभरती संभावना है। यह भी दावा करता है कि भारत 1.12 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है और 2030 से 50 के बीच यह मांग सबसे ज्यादा मांग का अनुभव करने की संभावना है। इन आंकड़ों के अलावा एक और कारण है कि
निवेशक बैटरी के क्षेत्र पर नजर रख सकते हैं वह है उद्योग में सरकार की दिलचस्पी। भारत में बैटरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। ऐसे ही एक कदम भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें बड़े उद्योगों के विभागों के लिए 181 बिलियन रुपए अलग से 5 साल देने के लिए जारी किया गया है, जिससे देश में इन हाउस बैटरी आपूर्ति बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार और काम कर रहा है। इससे एक बड़ा बाजार बनने की संभावना है और इसीलिए निवेशकों के लिए भारत में बैटरी कंपनियों में निवेश करने के लिए एक नया बाजार तैयार हो सकता है। और दोस्तों, शेयर मार्केट में कब क्या हो जाए पता नहीं, इसीलिए इनसे जुड़े समाचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सिर्फ शेयर मार्केट से ही जुड़े समाचार चाहिए तो आप हमारे चैनल पे ठीक सुबह 7 बजे, 7:30 बजे और 8 बजे शेयर मार्केट से जुड़े समाचार के 3 वीडियो आते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और इन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब फिर से आते हैं वीडियो पे और जानते हैं लिथियम आयन बैटरी स्टॉक भारत में भविष्य क्यों है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों EV के क्षेत्र में कुल बैटरी बाजार में लिथियम आयन बैटरी का लगभग 90% का हिस्सा है। इसके बाद वित्त वर्ष 2029-30 में भारत का वार्षिक लिथियम आयन बैटरी का बाजार बढ़कर 116 गीगावाट हो जाने की उम्मीद है। और ये आंकड़े JMK रिसर्च के साथ साथ IEEFA ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान की रिपोर्ट द्वारा समर्थित है। और इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि ऑटोमेटिक अनुप्रयोगों के लिए लिथियम आयन बैटरी की वार्षिक मांग 29-30 तक बढ़कर 104 गीगावाट हो जाने की संभावना है। इस संभावित संभावना के कारण सरकार की अनुकूल नीतियां हैं, जिनमें हाइब्रिड और EV का तेजी से अपनाना और निर्माण यानी कि FAME और कई अन्य राज्य स्तरीय EV नीतियां शामिल हैं। अगला है इसके अलावा गैर ऑटोमेटिक कैपेसिटिव, मतलब कि उदाहरण के लिए ऐसे जगह जहां पर ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखा जाता है। इनमें लिथियम आयन बैटरी की मांग लगभग 12 गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान है, जो दूरसंचार टावरों और ग्रेड स्केल नवीनीकरण ऊर्जा और डेटा केंद्रों और रूफटॉप सोलर द्वारा संचालित होगी। एक अन्य रिपोर्ट से पता चला है कि भारत सरकार ने 2030 तक लगभग 30% नए इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री और लगभग 34.136 गीगावाट बैटरी स्टोरेज का लक्ष्य रखा है, जिसकी उस अवधि के अंत तक भारत में लगभग 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा जोड़ने की आवश्यकता होगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुमान के अनुसार यह आंकड़ा देश को प्रमुख लिथियम बैटरी उपभोक्ताओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। और चूंकि बैटरी पैकिंग देश में सालों से असेंबल किया जाता रहा है, व्यावसायिक तौर पर लिथियम सेल निर्माण एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। नतीजतन राष्ट्र अपनी सेल आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और एक दिलचस्प ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण की योजना से नियत समय में विद्युत वाहनों की लागत में कमी आ सकती है, और इससे दूसरे देशों पर निर्भरता के साथ साथ परेशान करने वाले आय शुल्क में कमी आएगी। इस प्रकार जल्द ही भारत में लिथियम आयन बैटरी बाजार के लिए एक अवसर पैदा हो रहा है। भारतीय बैटरी बाजार अत्यधिक खंडित है और इस बाजार में प्रमुख खिलाड़ियों में एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HBL पावर सिस्टम, ल्यूमिनस पावर, टाटा एटोकॉम्प, ओकाया पावर आदि शामिल हैं। और अब चलिए एक एक करके बैटरी बाजार से जुड़े शेयर के फंडामेंटल्स देखते हैं। सबसे पहले है SBL स्टैंडर्ड बैटरीज लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15.7 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.0% का है। पिछले साल का सेल्स से कुछ भी नहीं रहा और नेट प्रॉफिट -0.75 करोड़ का है। और आप बोलेंगे कि सेल से जब कुछ रहा नहीं तो नेट प्रॉफिट माइनस में कैसे है? तो दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं है, अगर इनका सेल कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका जो सेटअप है, जो इनकी कंपनी है, उसमें कुछ खर्चे हुएंगे, जिसके कारण इनका जो नेट प्रॉफिट है वो -0.75 करोड़ के पास दिख रहा है। स्टॉक पे यहाँ पास नहीं दिखा रहा। ROE -6.99% का है, साथ ही ROCE भी -6.99% का है। अच्छी बात यह है कि कंपनी पे कोई डेट ही नहीं है और उसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 0.48 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1, 3 और 5 साल में कोई भी सेल्स नहीं रहा। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में -37% से नीचे गया है। वहीं
जो 3 साल और 5 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ शून्य रहा है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ भी पिछले 1, 3 और 5 साल में शून्य है। आरओई पिछले 1 साल में -7% से घटा है और पिछले 3 साल में 1% से बढ़ा, पिछले 5 साल में 3% से बढ़ रहा है। और इसके बाद आरओसी पिछले 1 साल में -7, पिछले 3 साल में -7 और पिछले 5 साल में -2% से घटा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 40.62% का स्टेक है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 24.99% और बाकी बचा पब्लिक के पास 34.40% का स्टेक है। और इसके बाद है HBL पावर सिस्टम और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2582 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.43% का। पिछले साल का जो सेल्स रहा 1236 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है 94 करोड़ का रहा। स्टॉक का PE 26.8 का है, ROE 10.4% और ROCE 13.4% का है। डेट कंपनी पे 62.4 करोड़ का है, जो कैश है कंपनी के पास 105 करोड़ का है, मतलब कंपनी डेट फ्री आराम से है ऐसा दिख रहा है हमको। साथ में सेल्स ग्रोथ देखते हो तो पिछले 1 साल में 30% से बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 साल में -1% और पिछले 5 साल में -3% इनका सेल्स ग्रोथ घटा है। साथ में प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 152, पिछले 3 साल में 53 और पिछले 5 साल में 18% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 84, पिछले 3 साल में 77 और पिछले 5 साल में 13% इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बढ़ रहा है। साथ में आरओई पिछले 1 साल में 10%, पिछले 3 साल में 5 और पिछले 5 साल में 5% इनका आरओई भी बढ़ रहा है। साथ में आरओसी पिछले 1 साल में 13%, पिछले 3 साल में 9% और पिछले 5 साल में 7% से आरओसी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 58.97% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 4.89% का स्टेक है, वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 9.32% का और बाकी बचा पब्लिक के पास 26.92% का स्टेक है। हमारा अगला शेयर है एक्साइड बैटरीज, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,659 करोड़ का है और जिसका डिविडेंड यील्ड 1.16% का है। पिछले साल कंपनी का जो सेल्स है 12,779 करोड़ का रहा और जो नेट प्रॉफिट है 4,357 करोड़ का रहा। स्टॉक का पी 3.24 का है और आरओई 48.6%, आरओसी 49.4% और डेट कंपनी पे 520 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 199 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 14%, पिछले 3 साल में -5% और पिछले 5 साल में 3% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। और साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 434%, पिछले 3 साल में 78% और पिछले 5 साल में 40% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। साथ ही कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पिछले 1 साल में -9%, पिछले 3 साल में -1% और पिछले 5 साल में -4% से इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ घटता हुआ दिख रहा है। साथ ही आरओई पिछले 1 साल में 48%, पिछले 3 साल में 27%, पिछले 5 साल में 22% से इनका आरओई भी बढ़ रहे हैं। आरओसी पिछले 1 साल में 49, पिछले 3 साल में 29 और पिछले 5 साल में 37% से इनका आरओसी बढ़ रहे हैं। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 45.99% की स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 10.40% का, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 17.83% का और बचा पब्लिक के पास 25.78% का स्टेक है। इसके बाद है पैनासोनिक एनर्जी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 192 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 2.92% का है। पिछले साल कंपनी का जो सेल्स था 282 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का रहा। स्टॉक पे 22.9 का है, आरओई 8.61% और आरओसी 11.5% का है और डेट कंपनी पे 1.65 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 49.7 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 3%, पिछले 3 साल में 5% और पिछले 5 साल में 3% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में -49% से घटा है, लेकिन पिछले 3 साल में 23% और पिछले 5 साल में 8% से इनके प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहे हैं। साथ ही कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में -15% से घटा है, लेकिन पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 1% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बढ़ रहा है। साथ ही आरओई पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 साल में 8 और पिछले 5 साल में 7% से इनका आरओई बढ़ रहा है। साथ ही आरओसी भी पिछले 1 साल में 11%, पिछले 3 साल में 10 और पिछले 5 साल में 10% से आरओसी बढ़ रहे हैं। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 58.06% के स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक और गवर्नमेंट केस में कोई भी स्टेक नहीं है और बाकी बचा पब्लिक के पास 41.94% का स्टेक है। और इसके बाद है हमारा एवरेडी इंडस्ट्रीज कंपनी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,615 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0% का है। पिछले साल कंपनी का जो सेल्स है 1,207 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है 46 करोड़ का रहा। स्टॉक पी 68.5 का है और आरओई
17.2%, साथ ही ROCE 14% का है और डेट कंपनी पे 396 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट कंपनी के पास 53.1 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में -1, पिछले 3 साल -7 और पिछले 5 साल में -2% से इनका सेल्स ग्रोथ घटा है। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले एक साल में -88%, पिछले 3 साल में -9% और पिछले 5 साल में -13% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ घट रहा है। साथ ही कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पिछले एक साल में 6, पिछले 3 साल में 69 और पिछले 5 साल में 3% इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बढ़ रहा है। साथ ही ROE पिछले एक साल में 17, पिछले 3 साल में 36 और पिछले 5 साल में 29% से इनका ROE बढ़ रहा है और ROCE पिछले एक साल में 14, पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 18% से ही इनका ROCE भी बढ़ रहा है। होल्डिंग्स देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 4.84% का स्टेक है, वही फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0.88, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 1.70% का स्टेक है, गवर्नमेंट के इसमें कोई भी स्टेक नहीं है और बाकी बचा पब्लिक के पास 93.10% का स्टेक है। अब इसके बाद है इंडोनेशनल निपो, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 257 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 1.46% का है। पिछले साल कंपनी का जो सेल्स रहा 570 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है 13 करोड़ का रहा। स्टॉक पे 88.6 का है और ROE 3.29% का है और ROCE 8.69% का और डेट कंपनी पे 124 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 31.6 करोड़ का ही इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले एक साल में 9, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 9% से ही बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में -90%, पिछले 3 साल में -24% और पिछले 5 साल में -16% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ घटा है। और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पिछले एक साल में -36%, पिछले 5 साल में 12%, पिछले 5 साल में फिर से -5% इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बढ़ता घटता हुआ दिख रहा है। ROE पिछले एक साल में 3, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 8% से ROE बढ़ रहा है। साथ ही ROCE भी पिछले एक साल में 8, पिछले 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में 15% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग्स प्रोमोटर के इसमें 65.35% का स्टेक है और बाकी 50 पब्लिक के पास 34.65% का स्टेक है। अगला शेयर है एमरॉन या फिर अमराजा बैटरी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 9215 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.83 का है। सेल्स देखते हैं तो पिछले साल का 8696 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा, वही नेट प्रॉफिट 511 करोड़ का था। स्टॉक पे 17.8 का है, ROE 11.6%, ROCE 15.6% और डेट कंपनी पे 126 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 53.6 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 20, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 10% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में -27%, पिछले 3 साल में 2% और पिछले 5 साल में 2% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पिछले एक साल में -25, पिछले 3 साल में -5 और पिछले 5 साल में -7% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ घट रहे हैं। ROE पिछले एक साल में 12, पिछले 3 साल में 15, पिछले 5 साल में भी 15% से इनका ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE पिछले एक साल में 15, पिछले 3 साल में 20 और पिछले 5 साल में 21% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग्स देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 28.06% का स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 18.10%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के 11.38 और बाकी बचा पब्लिक के पास 42.46% का स्टेक है। तो ये था एक डिटेल और जानकारीपूर्ण वीडियो बैटरी इंडस्ट्री के बारे में, कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आपके लाइक से YouTube के एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये जो वीडियो है नॉलेजेबल है, ज्ञानपूर्ण है और फिर इसे दूसरों लोगों तक पहुंचाता है। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले ज्ञानपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।